आइए दोस्तों बात करते हैं आज दिन भर के कोरोना अपडेट को लेकर जानकारी सामने आ चुकी है। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और इसी बीच कोरोना से जुड़े जो बड़े अपडेट और अलर्ट हैं उसके बारे में हम जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो को आप लाइक जरूर करेगा, अपने दोस्तों के साथ भी जानकारियों को जरूर फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला बड़ा अपडेट आ रहा है कोरोना अपडेट में। मन की बात में पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया है और कहा कि सावधानी रखें। प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर चिंता जताई है। पीएम मोदी ने मन की बात में कोरोना को लेकर भी चिंता व्यक्त और उन्होंने कहा कि आप भी देख रहे हैं दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है और इसीलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और भी ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको बता दें कोविड-19 इन चाइना। चीन में कोरोना से हाहाकार मच रहा है। अकेले जेजियांग प्रांत में रोजाना 10 लाख के करीब मामले सामने आ रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस तेजी से फैलता दिख रहा है। हालात ऐसे हो गए कि अकेले पूर्वी प्रांत जेजियांग से रोजाना लगभग 10 लाख नए कोविड केस सामने आ रहे हैं। कोरोना के केस लगातार बढ़ने के चलते यहाँ अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है और लोगों को इलाज के लिए एक से दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है। इसके अलावा बड़ा अपडेट आ रहा है चीन को लेकर ही। कोरोना के मामले दबाने के लिए चीन ने एक और नई चाल चली है। अब दैनिक आंकड़ों की जानकारियां शेयर नहीं करेगा चीन। चीन में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालत प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। लाखों लोगों के संक्रमित होने के चलते पड़ोसी मुल्क में अब न तो अस्पतालों के बेड खाली हैं और न ही वहां पर कोई दवाइयां मिल रही हैं। लेकिन चीन कोरोना मामलों में इजाफा होने के कारण उसके आंकड़े छिपाने की कोशिश कर रहा है और इसी के चलते अब चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि वो रविवार से ही अब कोविड के डेटा जारी नहीं करेगा। वहीं आपको बता दें कई जानकार लोगों का मानना है कि चीन में कोरोना घातक रूप ले चुका है और कोरोना के कुल मामले 10 करोड़ के पार चले गए हैं। वहीं करीब 10 लाख लोगों की चीन में कोरोना से मौत भी हो गई है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें आ रही हैं। वहीं हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को अस्पताल में इलाज न मिलने के चलते 5 लाख लोग मर चुके हैं। हालांकि आपको बता दें हमारे देश को लेकर अपडेट आ रहा है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि भारत में चीन जैसे हालात तो नहीं बनेंगे लेकिन मास्क और जांच के प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। चीन के साथ साथ ब्राजील, कोरिया, जापान और अमेरिका में भी ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। हालात दोस्तों चीन में ये हो रही है कि वेयर हाउस में लाशों को रखा जा रहा है और इसके अलावा चीन में कोरोना की लहर ने वायरस के नए म्यूटेंट की आशंकाएं भी बढ़ा दी है। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि सबसे अलग ये वेरिएंट हो सकता है। वहीं हमारे देश से जुड़ा अपडेट है, आगरा में चीन से लौटा एक कारोबारी संक्रमित पाया गया। जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया है। यूपी के आगरा में चीन से लौटा एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा अपडेट खबर आपको बता दें हमारे देश में कोरोना के खिलाफ मुहिम में केंद्र का राज्यों को निर्देश जारी हुआ है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 27 दिसंबर यानी मंगलवार के दिन पूरे देश भर में कोविड केंद्रों सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर मॉक ड्रिल आयोजित होगी। सुविधाओं को देखा जाएगा कि हॉस्पिटलों में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या कुछ कमियां हैं, इसको लेकर मॉक ड्रिल होगी। 27 दिसंबर को देश भर में चिन्हित कोविड समर्पित स्वास्थ्य सुविधाओं सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में मॉक ड्रिल आयोजित होगी, इस तरह के निर्देश हुए हैं। वह आपको बता दें कोरोना को लेकर 8 जिले हमारे देश में टेंशन बढ़ा रहे हैं। चीन में जारी कोरोना के कहर के बीच ही भारत में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है। देश के 8 जिलों में कोरोना की बढ़ने की जो रफ्तार है वो 5% से ज्यादा है। वही अपडेट आ रहा है कोरोना वैक्सीन का कमाल देखने को मिला है। ब्लड कैंसर के मरीजों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ी है, वैज्ञानिक भी हैरान है। वही आपको बता दें हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 236 नए मामले सामने आया और हमारे देश में अभी वर्तमान में एक्टिव मामलों की संख्या 3,424 हो चुकी है। वहीं दोस्तों एक और अलर्ट करने वाली खबर आपको बता देते हैं। कोरोना के अलावा कोटायम में बर्ड फ्लू फैला है। बतखों समेत 6,000 पक्षियों का सफाया किया गया। बर्ड फ्लू इन केरला एक बार फिर अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। केरल राज्य के कोटायम जिले की 3 अलग-अलग पंचायतों में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हुई है और इसके बाद 6,000 से अधिक पशुओं को मार दिया गया और इनमें ज्यादातर बतख हैं। अगर आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दें।